चले जाते हैं ऑपरेटर सिंसी। तो सबसे पहले हम आपको बताते चलते हैं ऑपरेटर सिंसी और कितने टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं। पहला ऑपरेटर होता है यूनरी ऑपरेटर, दूसरा होता है बाइनरी ऑपरेटर और तीसरा होता है टर्नरी ऑपरेटर। और जो सबसे बड़ा ऑपरेटर होता है वो होता है बाइनरी ऑपरेटर। ओके, तो मैं आपको हर चीज स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, सही है? ओके, सो अब मैं आपको सबसे पहले, ये यूनरी ऑपरेटर है, तो इस ऑपरेटर का होता है प्लस प्लस कॉमा माइनस। ओके, प्लस प्लस कॉमा माइनस माइनस। और ये जो टाइप है ये है यूनरी प्रॉप ऑपरेटर। ओके, इसकी जो यूनरी ऑपरेटर की ये जो ऑपरेटर्स हैं इसकी मैं आपको टाइप भी हर चीज बताता रहूंगा। और ये आज की वीडियो हम लोग इसके ऊपर ही है कि यूनरी ऑपरेटर है, इसका दो प्लस आपके लगे हुए होते हैं। अगर सी लैंग्वेज में कहीं पे भी दो प्लस या फिर दो माइनस लगे हुए तो आप ये समझ लें ये है यूनरी ऑपरेटर। यहाँ पे मैंने आपके टाइप भी लिखा हुआ और ये टाइप आपको याद करना बहुत जरूरी है। मैं इसके ऊपर एक लगा देता हूँ। ओके, ये आपको याद करना बहुत जरूरी है। अगर हर जगह कहीं पे जैसे के सी की लैंग्वेज में, जैसे नोट कट पे मैं आपको दिखाता हूँ, जस्ट वेट, यहाँ पे मैंने जूम कर दिया। अगर कहीं पे भी प्लस प्लस माइनस माइनस लगा हुआ हो तो ये आपका क्या कहलाएगा, ये आपका कहलाएगा आ यूनरी ऑपरेटर। और यूनरी ये वाला यूनरी ऑपरेटर। ओके, यहाँ पे इसका टाइप भी लिखी हुई है, ये इसकी टाइप कहलाती है और ये इसका ऑपरेटर है। ये आप देख सकते हैं, ये वाला मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये आपको जरूर समझ आ गया होगा। चलिए, ये हमने डन कर लिया। अब हम चलते हैं बाइनरी ऑपरेटर्स पे। और ये जो इतने हैं 1 2 3 4 5 ये आपके होते हैं बाइनरी ऑपरेटर्स। अब इसकी यहाँ पे टाइप भी मैं आपको बताता जाऊंगा। अगर कहीं लगा या कहीं प्लस कॉमा माइनस कॉमा मल्टीप्लाई की साइन, और मैं आपको बता दूं ये जो साइन है ये होती है आपकी मल्टीप्लाई की साइन, और अगर यहाँ पे ये आपकी होती है डिवाइड की साइन। ओके, और यहाँ पे ये हमारा ये, तो अगर कहीं पे भी ये लगा हुआ हो या ये डिवाइड की साइन, मल्टीप्लाई की साइन, माइनस की साइन या प्लस की साइन, समझ लें ये आर अरिथमेटिक ऑपरेटर। कौन से? अरिथमेटिक ऑपरेटर है, समझ लें अरिथमेटिक ऑपरेटर है। ओके, और यहाँ पे अरिथमेटिक ऑपरेटर अगर कहीं पे भी आपकी सी की लैंग्वेज में लगा हुआ है प्लस माइनस मल्टीप्लाई का साइन, डिवाइड का साइन, और या फिर ये वाला साइन जो आपका होता है परसेंट का साइन, तो ये आपका कहलाएगा इसका टाइप है। तो ये बाइनरी ऑपरेटर्स, लेकिन इनके टाइप अलग अलग होते हैं। टाइप होता है इसका, जैसे कि इसका तो मैंने आपको समझा दी अरिथमेटिक ऑपरेटर है इसका टाइप। ओके, अरिथमेटिक, कहीं पे भी अगर ये प्लस, अगर ये माइनस, अगर ये मल्टीप्लाई और अगर ये डिवाइड और अगर ये परसेंटेज का साइन लगा हुआ हो तो इसका मतलब ये अरिथमेटिक ऑपरेटर है। ओके, तो ये भी आपको जरूर समझ आ गया होगा। ओके, तो अब हम चलते हैं दूसरे पे, और ये होता है जो दूसरा वाला है, अगर कहीं पे ये आपका असेंडिंग और डिसेंडिंग वाले मार्क लगा हुए हैं, जैसे कि एक ये वाला कॉमा, अगर कोई ये वाला लग गया आपका, अगर कॉमा, अगर कोई ये वाला लग गया आपका, अगर ये वाला लग गया, सॉरी पहले मैं ये वाला लगा दे रहा हूँ, और अगर कहीं ये वाला लग गया, और अगर कहीं ये वाला लग गया, और अगर कहीं ये वाला लग गया, तो ये भी आपको जानना बहुत जरूरी है। मतलब आपको ऑपरेटर सी नहीं पता, सी के तो आपको पता गया है, सी की लैंग्वेज के अंदर ऑपरेटर बहुत जरूरी है पता होना। और ये सारे मैंने जो आपके लिखे हैं ये सारे, ये आपके कहलाते हैं रिलेशन एंड ऑपरेटर। क्या कहलाते हैं? रिलेशन ऑपरेटर। यहाँ पे मैं लिख के भी आपको बता देता हूँ एक दफा, रिलेशन ऑपरेटर। ओके, रिलेशन ऑपरेटर, रिलेशनल, रिलेशनल ऑपरेटर कहलाते हैं ये आपके। ओके, ऑपरेटर ये
आपके अगर कहीं पे असेंडिंग और डिसेंडिंग वाले जो मार्क लगते हैं आपने, ये बिल्कुल मैथ की तरह, आपको मैथ आती होगी तो बहुत अच्छा है, आप आराम से सब सीख सकते हो ऑपरेटर्स अगर आपको मैथ आती है। ओके, तो ये आप देख सकते हैं ये असेंडिंग और डिसेंडिंग वाले मार्क हैं जो वो लोग पढ़ते हैं, जैसे कि असेंडिंग होता है, असेंडिंग से डिसेंडिंग वाले मार्क लगाने होते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा हुआ 8 और यहाँ पे मैंने डैश डाला और यहाँ पे मैंने लिख दिया है 5। तो यहाँ पे आप कौन सा मार्क लगाओगे, असेंडिंग वाला और डिसेंडिंग वाला? यहाँ पे टीचर ने लिख के दे दिया, आप यहाँ पे असेंडिंग वाला लगाओ या डिसेंडिंग वाला, तो आप कौन सा लगाओगे? तो यहाँ पे आप ऐसे ही होता है जैसे कि आप ये वाला लगा लोगे। और अगर कभी कभार ये होता है जैसे कि यहाँ पे 8 और 80 आ जाता है, तो वो पूछते हैं आप कौन सा मार्क लगाओगे, असेंडिंग या डिसेंडिंग, तो आप ये वाला लगा देते हो। तो ये इक्वल टू होते हैं ना, क्योंकि दोनों नंबर सेम होते हैं। तो ये बहुत अच्छा है, ये आपको आना बहुत जरूरी है। अगर आपको मैथ आती हो तो समझेंगे ये आपका बच्चों वाला खेल है, आपको छुट्टियों में आ जाएगा। ओके, तो ये आपको आना बहुत जरूरी है, मैंने आपको बता दिया ये आपको आना बहुत जरूरी है। अगर नहीं आता तो आप इस वीडियो में सीख ले, मैं आपको बता भी रहा हूँ, लेकिन आपको मैथ आना बहुत जरूरी है। अगर नहीं आई मैथ है तो आपको ये ऑपरेटर थोड़े बहुत समझ नहीं आएंगे। तो ये आपको समझ तो आ गया होगा, ये असेंडिंग ऑर्डर्स होते हैं, ये वाला होता है असेंडिंग ऑर्डर, ये वाला मैं ये वाला इस वाले में भी सेम है, ये वाला होता है आपका ऑपरेटर, ये वाले होते हैं, ये वाले होते हैं, बहुत से ऑपरेटर्स होते हैं आपको, लेकिन ये सब आना बहुत जरूरी है। ओके, तो अब हम चलते हैं नीचे वाले ऑपरेटर। तो ये जो एंड का आपका पॉइंट दिख रहे हैं, एंड एंड, और यहाँ पे जो आपका एक और आता है, अगर आपके सी लैंग्वेज में किसी ने ये लिख के दे दिया जैसे कि एंड कॉमा दैट, सॉरी दैट कॉमा दैट, और यहाँ पे बस, तो ये मैं आपको इसका ऑपरेटर बता देता हूँ। अगर ये हुआ तो इसका टाइप आप जब बोलोगे इंटरव्यूज में, ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं ये कौन सा है, तो ये आपका कहलाएगा लॉजिकल ऑपरेटर। क्या कहलाएगा ये आपका? कहलाएगा लॉजिकल ऑपरेटर। यहाँ पे मैं लिख के दिखा देता हूँ लॉजिकल ऑपरेटर, और यहाँ पे मैं आपको इसको सिलेक्ट भी करके दिखा देता हूँ ये क्या कहलाएगा। ये आपका कहलाएगा लॉजिकल ऑपरेटर। तो ये जो मैंने चार अभी तक आपको बताए हैं है, ये बहुत जानना जरूरी है, ये तो आपको आ जाएंगे, ये तीन तो आ जाएंगे, लेकिन ये लॉजिकल ऑपरेटर्स और ये बाकियों में थोड़ी आपको मुश्किल हो सकती है। मुझे पता नहीं अगर किसी को वो मैथ बहुत अच्छी हो बहुत, तो ये आराम से पास कर सकता है। ओके, तो ये आपके लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं एंड एंड और स्लैश स्लैश और ये वाला मार्क। ओके, तो ये भी आपको जानना बहुत जरूरी है। ओके, ये भी जानना आपको बहुत जरूरी है। और ये आपके क्या कहलाते हैं? ये आपके कहलाते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो आई होप आपको इतना अंडरस्टैंड हो गया होगा ये सब क्या कहलाते हैं। तो अभी तक हमने कितने पढ़ लिए ऑपरेटर्स? अभी तक हमने पढ़ लिए हैं, अभी तक हमने पढ़े हैं 4। यस, हमने अभी तक 4 पढ़ लिए हैं, जैसे कि पहला पहला हमारा हो गया था जैसा कि ये यूनिरी ऑपरेटर, चौथा हमारा हो गया अर्थमेटिक ऑपरेटर, सॉरी दूसरा, और तीसरा हमारा रिलेशन ऑपरेटर, और चौथा लॉजिकल ऑपरेटर। तो हमने ये 4 ऑपरेटर पढ़ लिए हैं, और उनकी ये जो टाइप भी पढ़ लिए हैं, ऑपरेटर्स भी इनके हमने पढ़ लिए हैं। ऑपरेटर्स ही तो बहुत जानना जरूरी है, टाइप तो आप कभी भी याद कर लो, लेकिन इनके टाइप अगर, और सबसे मेन बात, अगर आपको ऑपरेटर्स आते हो और उनके आपको टाइप ही नहीं पता हो तो ये तो बात ही नहीं हुई। मतलब आपको ऑपरेटर चाहते हैं लेकिन टाइप ही नहीं पता, टाइप ही तो पता होना जरूरी है। अगर इंटरव्यू में पूछ लिया ये वाले इन्होंने लिख के दे दिया जैसे कि असेंडिंग वाला, असेंडिंग ऑर्डर वाला निशान दे के यूं कर दिया, तो वो पूछेंगे यार ये कौन सा ये ऑपरेटर तो है, इसका टाइप कौन सा, तो ये भी तो पूछेंगे, तो आपको ये भी आना बहुत जरूरी है इनके टाइप। ओके, अब हम चलते हैं बाइनरी ऑपरेटर के 5वें पे। और ये जो अब हमारा, अगर किसी ने आपको लिख के दे दिया जैसे कि एंड का क्वेश्चन कॉमा, यहाँ पे मैं आपको दिखाते भी रहता हूँ साथ ही साथ। ओके, और अगर किसी ने आपको दे दिया स्लैश और ये वाला असेंडिंग और डिसेंडिंग वाले,
और अगर किसी ने आपको ये दे दिया और अगर आपको किसी ने ये भी दे दिया योर साइन ओए हाँ। अब सबसे पहले अगर आपको किसी ने, मैं आपको बताता हूँ ये शायद बटन मेरे कीबोर्ड में है भी, आई विल बी चेक। अगर आपके कीबोर्ड में है तो आप लगाओ जब तक ओके यस। अगर आपके किसी ने ये वाला साइन दे दिया तो ये आपका कौन सा ऑपरेटर कहलाएंगे, ये जो सारे। अगर किसी ने आपको ये बोल दिया यार मुझे ये वाला ऑपरेटर नहीं पता है, आपको इसलिए ऑपरेटर का टाइप मुझे नहीं पता, तुम्हें पता है यार मुझे इस वाले ऑपरेटर का टाइप नहीं पता तुम्हें पता है, तो आप क्या बोलोगे कौन सा ऑपरेटर है? बिट वाइज ऑपरेटर, ये आपका कहलाता है बिट वाइज ऑपरेटर। क्या कहलाएगा ये आपका कहलाएगा बिट वाइज ऑपरेटर। अगर किसी ने पूछ लिया आपसे, आप सी के मास्टर हो चलो आपने कह दिया उसे, तो अगर आपको आपसे किसी ने पूछ लिया ये ऑपरेटर कौन सा है ये वाला, तो आप क्या बोलोगे इसका टाइप? बिट वाइज ऑपरेटर। क्या बोलोगे? बिट वाइज ऑपरेटर। तो मुझे उम्मीद है आपको ये छठा वाला भी जरूर समझ आ गया होगा। और अब हम चलते हैं इस वाले पे। अब हमने कितने सीख लिए? 3, 4, 5, 6। अब हम चलते हैं 7वें पे। अब अगर किसी ने आपको कह दिया जैसे कि मैं आप पे आपको दिखाता भी रहता हूँ, ये वाला साइन इक्वल्स टू का, प्लस इक्वल्स टू का, और फिर माइनस इक्वल्स टू का, और अगर किसी ने माइनस इक्वल्स टू का सॉरी, और यहाँ पे किसी ने आपको दे दिया मल्टीप्लाई इक्वल्स टू का, और अगर किसी ने आपको ले दिया डिवाइडेड बाई इक्वल्स टू का, और अगर किसी ने आपको ले दिया परसेंटेज इक्वल्स टू का, तो आप क्या बोलोगे कौन सा ऑपरेटर है? आपको किसी ने पूछ लिया यार, कोई अनाड़ी है जिसने अभी अभी शुरू किया सी ई, तो से आप पता नहीं है लेकिन आप मास्टर हो और आपको हर चीज पता है, तो वो पूछेगा यार ये इस ऑपरेटर का मुझे टाइप नहीं पता चल रहा, इसका टाइप मुझे बता दो, तो आप क्या बोलोगे? क्या ये है? असाइनमेंट ऑपरेटर। क्या है? असाइनमेंट ऑपरेटर। क्या है ये आपका? असाइनमेंट ऑपरेटर। तो अगर ये आपका कहलाएगा, मैं आप पे आपको लिख के भी दिखा देता हूँ, असाइनमेंट ऑपरेटर। ओके, क्या कहलाएगा? असाइनमेंट ऑपरेटर। ओके, तो ये इसको अगर किसी ने दे दिया तो आप बोलोगे असाइनमेंट ऑपरेटर है। तो अब हम वापसी इनको रिपीट करते हैं। अगर किसी ने आपको प्लस प्लस माइनस माइनस का पूछ लिया ये कौन सा टाइप है, तो आप बोलोगे यूनिटी ऑपरेटर। और ये मैं आपको ये जो पूरे ये चीजें हैं ये सब मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो ताकि ये नोट बना के मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आपको याद हो कितने ऑपरेटर्स होते हैं और कितने होते हैं। तो अब सबसे पहले यहाँ पे मैं लिख दूंगा यूनिटी ऑपरेटर, और यहाँ पे मैं इसका मार्क लगा दूंगा इसका, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा यहाँ पे बाइनरी ऑपरेटर। ओके, तो ये आपके बाइनरी, तो ये सारे मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो अब हमने इतना भी सीख लिया है, ये वाला भी सीख लिया है हमने, असाइनमेंट ऑपरेटर भी हमने सीख लिया। अब हम चलते हैं टेनरी ऑपरेटर। तो मैं उम्मीद है आपको इतना समझ आ गया। हम चलते हैं टेनरी ऑपरेटर। अब अगर कहीं पे किसी ने क्वेश्चन मार्क का ये वाला लगा दिया तो आप इसे कहोगे टेनरी और कंडीशन ऑपरेटर। क्या कहोगे? टेनरी और कंडीशनल ऑपरेटर। पता नहीं मुझसे ज्यादा बहुत ज्यादा गलतियां हो रही है, तो सॉरी। ये आपका कहलाएगा कंडीशनल ऑपरेटर। क्या कहलाएगा? टेनरी और कंडीशनल ऑपरेटर। ओके, तो ये टेनरी ऑपरेटर आपका अगर किसी ने पूछ लिया तो आप इसका टाइप पूछ लिया तो आप क्या बोलोगे? टेनरी ऑपरेटर। यहाँ पे ये सब कुछ मैं आपको लिंक में दे दूंगा और आप जाके इसका नोट बना लेंगे, मैं आपको ये सारे नोट दे दूंगा इसके ये, और आप ये डिस्क्रिप्शन से उठा लेगा। तो ये आप देख सकते हैं मैंने आज की वीडियो में आपको ऑपरेटर्स एंड सी बताया है, और ये सारे ऑपरेटर्स में उम्मीद है आपको जरूर समझ आ गए होंगे, और मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी। और पसंद आई वीडियो को प्लीज लाइक करें, अपने दोस्तों अपनी फैमिली का वीडियो को शेयर करें। तो हम मिलेंगे इसी तरह की अगली वीडियो में और बहुत मजेदार वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही,
गुड बाय।